शिमला मिर्च और आलू की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम शिमला मिर्च। मैंने इसे इस तरह से मोटे पीसेस में काट के धो लिया है। और यहाँ पर 250 ग्राम आलू भी यानी 250 ग्राम, इसे भी हमने छील के काट के धो के साफ कर लिया है। तो सब्जी अब हम बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाही में मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल अपने हिसाब से कम या ज्यादा करना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, थोड़ा सा मेथी के दाने और फिर हम तुरंत ही इसमें डाल देंगे ये प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक कटा हुआ लिया है और थोड़ी देर से हम फ्राई करेंगे। मैंने प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे ये आलू। और आलू को हम धीमी आंच में थोड़ी देर प्याज और तेल में फ्राई करेंगे। आलू को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी के करीब हींग, अब सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हम इसे इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। अब ये अच्छा से भुना चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी। पानी डालेंगे तभी आलू अच्छा से गलेगा। अब हम गैस का आंच मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच में इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। जब तक ये आलू पक रहा है, इधर हम मसाला पीस लेंगे। मसाला पीसने के लिए हमने यहाँ पर जार लिया है। हम जार में डाल देंगे 10 से 12 लहसुन, 1/2 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च, 1 छोटा टमाटर, 10 से 12 काजू। काजू डालने से सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। मसाला अब ये पिसा चुका है, हम इसे सब्जी में डालेंगे। आलू को बीच बीच में इसे चलाते हुए मीडियम आंच में थोड़ी देर पकाया है। अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला को डाल देंगे। थोड़ा सा जार को धो के पानी डालेंगे। और फिर से हम इस मसाला को अच्छा से भूनेंगे बीच बीच में चलाते हुए। अब अच्छा से मसाला भुना चुका है। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही। दही अगर खट्टे हो तो आप 2 चम्मच ही डालें। ये दही खट्टा नहीं है। और फिर दही को अच्छा से मिला लेंगे। अब ये कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल देंगे। और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे भून लेते हैं। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। और इसे अब ढक देंगे और ढक के आंच भी मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच में 6 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। सब्जी को बीच में चलाते हुए 7 मिनट के लिए इसे पका लिया है।
अब सब्जी अच्छा से पक चुका है। इसी समय इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, अब सब्जी को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। सब्जी को गैस से नीचे उतार लिया है, इसे अब सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनके तैयार हुई है। अगर आपको शिमला मिर्च और आलू की ये सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।